जुना बायपास मार्गावर असलेल्या 365 हॉटेलमध्ये 27 एप्रिलच्या रात्री तिघांनी मद्यपान जेवण केले. बिल मागितले असता उलट हॉटेल संचालकास अश्लील शिवीगाळ केली. एवढंच नाही तर हॉटेल चालवायचे असेल तर प्रत्येक महिन्याला पैसे लागतील अशी धमकी देण्यात आली. अशी तक्रार हॉटेल संचालकाने पोलीस स्टेशन गाठून तक्रार दिली. रात्री अनेकांनी हॉटेलसमोर येऊन दगडफेक केल्याचा आरोप सुद्धा हॉटेल संचालकाने केला आहे. तर दुसरीकडे याच हॉटेलमध्ये रात्री पब चालतो असे अनेक पबचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर गुन्हा दाखल झालेल्या युवकाने व्हायरल केल्याने या प्रकरणाला वेगळे वळण लागण्याची शक्यता आहे. बडनेरा मार्गावर येत असलेल्या किचन 365 हॉटेलमध्ये 28 एप्रिलच्या रात्री बिच्छू टेकडी राहणारा 43 वर्षीय अश्विन उके त्याचे 3 मित्र जेवायला आले. तेथे अश्विनसह मित्रांनी दारू व जेवण केलं. यावेळी हॉटेलमध्ये काम करणाऱ्या सुमन पाल वेटरने बिल मागितले असता त्याला अश्लील शिवीगाळ करून बिल देण्यास मनाई केली. याची माहिती वेटरने हॉटेल संचालक महेश मोहनलाल छाबडा यांना सांगितले असता ते सुद्धा बिल मागण्यास गेले. त्यांना सुद्धा अश्विन उके यांनी अश्लील शिवीगाळ केली. हॉटेल चलाने के पैसे लगेंगे नाही तो तेरा मर्डर कर डालूंगा अशी धमकी दिली. हॉटेल मालकाची कॉलर पकडून अश्लील शिवीगाळ करून मित्रांसोबत बिल न देता निघून गेल्याची तक्रार महेश छाबडा यांनी पोलीस स्टेशनला केली. शंकरनगर जात असताना अश्विन उके भेटले. तेथे सुद्धा तूने मेरी कंप्लेंट की तेव्हा सुद्धा धमकी देण्यात यावरून महेश छाबडा यांनी थेट पोलिसांना माहिती दिली. हॉटेलसमोर रात्री अनेक युवक धडकले. काहींनी दगडफेक केल्याची प्रतिक्रिया सुद्धा हॉटेल संचालक महेश छाबडा यांनी स्पष्ट केली. मेरा नाम है महेश छाबड़ा. किचन 365 का ओनर हूँ मैं. एक्चुअल जो परसों घटना हुई नितिन अश्विन उके अब मेरे यहाँ हमेशा जब आता दारू पी के खाना खा के बिल नहीं देना, ये उसका कम से कम 15 से 20 बार हुआ. परसों रात को भी उसका बिल बना, बोले मैं पैसे देता नहीं. मतलब भाई पैसे क्यों नहीं देना? नहीं बोले माँ बहन पर गालियाँ देना ये कहीं उचित नहीं है. भाई व्यापारी को तुम गाली गलौज कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे. आज अमरावती में सबसे बड़ा होटल अपने फैमिली के लिए बनाया, इतना अच्छा होटल बनाया, ये यहाँ का बहुत गलत फ़ायदा उठा रहे, बहुत गलत फ़ायदा उठा रहे. परसों रात को जब ये घटना हुई तो रात में जैसा 112 वाले आए पुलिस वाले, तो अश्विन उके ने पुलिस वालों को भी गालियाँ दिया रात में. तो हरिभाव करके एक जना है सिपाही, उसको बहुत गालियाँ दिया और मेरे को भी अच्छा नहीं लगा. और वो घटना होने के बाद कल शाम को जैसा मैं अपने घर से निकला तो करीबन 8:15 मेरे को शंकरनगर स्क्वायर पे मिला. तो वहाँ मेरे को गाली गलौज किया, बोले रात को मैं 40-50 लोग लेके आता हूँ, तेरा होटल भी तोड़ता, तेरा मर्डर कर डालता. तो मैंने बोला तेरे से जो बनता बन. और मेरे को हमेशा उसने बोला भाई तुम पुलिस वालों को पैसे देते तो मेरे को भी चलता. मैं आज कोई पुलिस वालों को 1 रुपया देता नहीं. मेरा फैमिली का धंधा है और मेरा 1 नंबर का धंधा है, मेरा कोई 2 नंबर का काम नहीं है. तो मैं तेरे पैसे काय के दूँ? मेरे को उसने खंडनी का बोले 50,000 रुपये महीना लगता. तो मैं आज कोई पुलिस वालों को या किसको भाईगिरी को किसको 1 रुपया देता नहीं. मेरा धंधा है साफ सुथरा. तो फिर मेरे को धमकी देने के बाद जैसा मैं रात को होटल पर आया तो 11:15 करीबन ये 40 से 45 लोग मेरे होटल पर लेके आए. उन्होंने होटल के ऊपर पथराव किए. रात में 2-3 फैमिली को पत्थर लगे, एक जने को सर पे मार लगी. पूरा होटल में जो भी व्यापारी जा रहे आ रहे हैं उसको गाली गलौज कर रहे हैं. तो ये उचित नहीं है. रात को उनके पास चाइना चाकू है, चाकू लेके मेरे होटल पे आए थे और मेरे को बोले तेरा मर्डर कर डालेंगे रात को. फिर रात को मैं यहाँ से गया, पुलिस स्टेशन गया. पहले 112 पे कॉल किया, पुलिस वाले आए, सब भग गए. यहाँ से जाके मैंने राजापेट पुलिस स्टेशन में FIR डाली. और मेरे को क्या है, अश्विन उके से जान का खतरा है और मेरे को कल कुछ भी हो रहा तो इसके अंदर अश्विन उके का ही हाथ है. मैं पुलिस विभाग से एक ही प्रार्थना करता हूँ, मेरे को सिक्योरिटी होना. या प्रकरणात राजापेट पोलिसांनी 34 वर्षीय अश्विन उके, 30 वर्षीय स्वप्नील बाबनकर राहणार बच्चू टेकडीसह इतर 2 आरोपी विरुद्ध कलम 387, 294, 506 ब,
34 अंतर्गत गुन्हे दाखल केले आहे। तर दुसरीकडे अश्विन उके यांनी सुद्धा याच हॉटेलमध्ये पब चालवतो असा आरोप करीत याचा पुरावा म्हणून किचन 365 हॉटेलमध्ये सुरू असलेल्या पबचे व्हिडिओ इतर सोशल मीडियावर व्हायरल केल्याने आता याच घटनेला वेगळे वळण लागण्याची शक्यता आहे।